एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और नई ट्रेंडी हॉरर गेम इन एंड्रॉयड मोबाइल फोन, और इसका नाम है लीटल कंपनी। वेल, थोड़ा बहुत आपको इसके नाम से समझ में आ ही गया होगा कि हमें यहाँ पे करना क्या है। हम यहाँ पे हैं एक एस्ट्रोनॉट और हमें यहाँ पे स्पेस में जाके डिफरेंट प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे करंटली अभी हम हैं मून यानी कि चांद पे, और हमें एक टूटे फूटे एबंडेंट इंडस्ट्रियल एरिया में जाके बहुत सारे स्क्रैप मेटल्स और यूजफुल मशीन आइटम्स को पिक करना है। लेकिन ये पूरी फैक्ट्री बंद पड़ी है, एकदम सुनसान है, और कभी कभी हमारे सामने रुकावटें पैदा करने के लिए डायनासोर ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं। दोस्तों, ये गेम अभी अर्ली एक्सेस में है और इस गेम का पूरा कंप्लीट नाम है लीटल कंपनी हॉरर गेम, और इसके डेवलपर्स हैं एलेक्स कॉस्टे। देखो दोस्तों, ये गेम प्ले स्टोर में अवेलेबल है एज फ्री टू प्ले। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, तो आप मुझे मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अभी हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वेल गाइस, यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। तो अभी मेरे ख्याल से हम स्पेस शटल के अंदर हैं और हम अकेले हैं। ये लाल रंग की वार्डरोब है, इसको खोल सकते नहीं, बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये रहा ना, बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्पेस में अगर हम बाहर निकल गए तो हवा में उड़ने लग जाएंगे। ये क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है, और यहाँ पे हम लोग सो सकते हैं। चलो, ये सब चीजें बहुत बढ़िया बनाई है, सर्विस मैनुअल पढ़ते हैं। अरे, मैं ब्लू स्टैक सॉफ्टवेयर पे खेल रहा हूँ। अगर आप अपने मोबाइल फोन पे खेल रहे हो तो इसको रोटेट करके पढ़ना जरूर, क्योंकि इसी के बिहाफ पे इनकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप इस प्लेनेट पे सर्वाइव कर पाओगे। और ये फ्लैशलाइट हमें फ्री में मिल गई। यहाँ पे ये क्या है, प्रॉफिट कोटा। अच्छा, 3 दिन के अंदर अंदर ही हमें सारे स्क्रैप मेटल्स को इकट्ठा करना होगा। कंप्यूटर पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये क्या है, मून्स स्टोर बीस्टरी एरर डेटाबेस डोंट रिप्लाई। अच्छा, मुझे लगता है अभी गेम अर्ली एक्सेस में है, इसलिए ये सब चीजें अनलॉक नहीं करी गई हैं। मैंने कहा था ना, कंपनी अभी काम कर रही है, और आपको माफी देने के लिए हम लोग फ्री में फ्लैश लाइट देते हैं। चलो सही है। ये क्या है, अभी हमें मून पे जाना होगा। हाँ, ऐसा ही कुछ है, अश्योरेंस लिखा हुआ था। और ये क्या है, बैटरी चार्ज करने के लिए। अच्छा, इस टॉर्च की बैटरी होगी। तो यहाँ पे मैं अपना स्पेस शटल लैंड कर दिया है। कर दिया, तो मेरे ख्याल से हम मून पे आ चुके हैं। सुबह की 8:15 हुए हैं, और अब हम इस चांद को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हमें इस चांद की जमीन पर लैंड करना होगा, उतरना होगा। ओके, हाँ, मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल भी होती है नहीं, और ये है हमारा स्पेस एयरक्राफ्ट। आप ऊपर देख सकते हो, 2 बड़े-बड़े हॉर्न्स भी लगा रखे हैं, और ये है एंटीना। एंटीना के जरिए बिजली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, यानी कि हमसे पहले यहाँ पे कोई एक ह्यूमन सिविलाइजेशन भी रहती होगी, जिसका अब पूरा नामो निशान मिट चुका है। ये कोई कार्गो कंटेनर है। यहाँ पे हम लोग फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में आ चुके हैं। अब इस दरवाजे के जरिए हमें इन्फिल्ट्रेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे इतना अंधेरा है, बाप रे, तभी हमको फ्लैशलाइट दे रखी थी पहले से। ये है कुछ कांच की बॉटले। अभी जितनी भी मशीन आइटम्स हैं और जितने भी स्क्रैप मेटल्स हैं, हमें इस तरह से पिक करने होंगे और एक कमरे में ले जाके सबको फेंकना होगा, ताकि हम बाद में उनको काफ़ी आसानी से लोकेट कर सके। लेकिन सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ ये है कि ये पूरा फैक्ट्री एरिया एक भूल भुलैया मेज की तरह दिखाया है। हम अपना रास्ता भूल जाएंगे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी अंधेरा है, खामोशी है, सन्नाटा है। थोड़ा मुझे डर लग रहा है कोई भी ज़ॉम्बी क्रीपर डायनासोर हम पे आके अटैक कर सकता है। यहाँ पे कैंडी मिली मुझे। कैंडी कब से स्क्रैप मेटल हो गया, और इसको बेच के कितने पैसे मिलेंगे। मुझे गोल्ड डायमंड हीरे ज्वारात चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलेंगे मेरे ख्याल से।
ठीक है, हमको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हर एक एक कमरे को अच्छे से एक्सप्लोर करना होगा और इस ब्लू कलर की बीम लाइट के जरिए हम लोग मेटल्स को काफ़ी अच्छे से दूर से आइडेंटिफाई करके लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो गियर है इसके जरिए बहुत ही जल्दी हमारा बैकपैक भर जाता है। हम सिर्फ एक टाइम पे एक ही कॉक व्हील को कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे ये दरवाज़ा चेक करके देख, इसके पीछे कुछ नहीं है। तो अभी मुझे कम से कम 5 से 6 मिनट तो लगने वाले हैं मैं पूरी इस फैक्ट्री एरिया के एक एक कोने को काफ़ी अच्छे से तलाशने वाला हूँ। 15 minutes later. तो यहाँ पे approximately मुझे 15 मिनट लगे हैं और unfortunately मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। लग गया, लास्ट में लगा, और ये एक बहुत ही बड़ी यूजफुल सी प्रॉफिटेबल चीज है। अभी यहाँ पे और लालच करने की जरूरत नहीं है, लालच बुरी बला। ये जितनी भी लूट की चीजें हैं जैसे कि बाजा, कप, टॉफी, कांच की बॉटले, कॉक व्हील, ये सबको पिक करना है यहाँ से और अपने स्पेस शटल में ले जाके फेंकना होगा। वेल आप लोग सोच रहे हो कि ये सब करने में तो बहुत टाइम लगेगा, लगेगा, लेकिन अभी हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टॉप लेफ्ट साइड पे एक ऑरेंज कलर का मीटर भी है, अभी भर रहा है। ये है स्टैमिना मीटर। अगर हम बहुत फटाफट तेजी से भागेंगे तो ये जल्दी से डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा, तो आपको बस सोच समझ के भागना भी होगा। या टॉर्च फैक्ट्री, हाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हैं, ये क्या हुआ? अरे मैं फंस गया, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? हाँ हमें यहाँ सोच समझ के फेंकना भी होगा। अरे यहाँ पे कुछ ही मिनटों में रात हो सकती है और अभी बहुत सारे स्क्रैप मेटल्स वहां जाके पिक करने हैं मुझे। Much later. तो वेल मुझे यहाँ पे पूरे 30 मिनट तक ही हैं और मैं सारे के सारे स्क्रैप मेटल्स पिक करके अपने स्पेस शटल में ले जाके फेंक दिए हैं और यहाँ पे निक ऑफ टाइम पे मैंने अपना काम कंप्लीट किया, क्योंकि यहाँ पे अंधेरी रात भी हो चुकी है, नीचे वार्निंग का मैसेज भी आ चुका है। फ्लैशलाइट की बैटरी को चार्ज करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। अभी मैं फिर से अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करता हूँ, द कंपनी बिल्डिंग। यहाँ पे स्टोरेज मार्केट है, वहाँ ले जाके हम ये सारे स्क्रैप मेटल्स को एक एक करके सेल करने वाले हैं। हमारा स्पेस शटल टेक ऑफ हो चुका है। तो अब हमें कहाँ जाना होगा? एक काम करता हूँ, मैं फिर से उस फ्लाइट कंट्रोल के बटन को प्रेस करता हूँ और अभी हम देखते हैं कहाँ लैंड करेंगे। मैंने अपनी फिंगर क्रॉस कर दी है, कहीं गलत जगह ना आ जाए। नहीं नहीं, जगह तो काफ़ी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्गो कंटेनर्स हैं, चांद नहीं है, तारे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ले जाके हमें सारी चीज़ों को बेचना होगा। सबसे पहले किसको लूँ? हाँ, लास्ट में मैंने बिग गियर लिया था, हम इसको सबसे पहले सेल करेंगे। ओके, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ओके, यहाँ पे दो और मेटल्स भी आ सकते हैं, तो मैं रखता हूँ उस इंजन को। इंजन नहीं, कांच की बॉटले, ये रही ना। ओके, ऐसे पिक किया, जंप किया और यहाँ जाके रख दिया। हाँ दोस्तों, इस गेम के डाउनलोड्स हो चुके हैं 1 लाख के भी ऊपर और 3000 लोगों ने 4.4 स्टार्स की रेटिंग दी है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अभी हम देखते हैं कि इन बड़े बड़े मेटल्स को बेचने के हमें कितने पैसे मिलेंगे या क्या मिलेगा। अच्छा, हमें घंटी बजानी है। कॉल क्रिएचर, ये किसी ऑक्टोपस का हाथ है। अरे गियर तो लेके जा, वो लेके ही नहीं किया। तो हमें यहाँ पे टोटल $82 ही मिले हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है वो डॉलर्स हैं कि कॉइन्स हैं कि स्केल पॉइंट्स हैं कि हैं कोटारिस्ट। ये क्या मतलब हुआ? अभी तो हमने जस्ट शुरुआत करी है। मैं फिर से एक बार सेल करने की कोशिश करता हूँ। ये फेंक दे, एक काम कर, अभी और 3 चीज़ें पिक कर ले। कप और टॉफी कैंडी कहाँ चलेगी? मैंने कहाँ सेल किया था उसको? लेकिन चलो ठीक है, और टॉफी की कोई ज़रूरत भी नहीं अभी। यहाँ पे मैं इन 3 चीज़ों को रखता हूँ। फिर से घंटी बजा, वो ऑक्टोपस का हाथ आके लेके चला गया और अभी हमें मिले हैं 47 पॉइंट्स मिले हैं। ओके, अभी लास्ट एक गियर बचा है, उसको सेल करते हैं। टॉर्च को सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी भी काम आ सकती है। रहने दे, सिर्फ ये लास्ट कॉक व्हील सेल करते हैं और उसके बाद हम लोग ख़त्म करते हैं। मुझे ये गेम काफ़ी अच्छी लगी है, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इसमें हॉरर क्या हुआ।
ठीक है, यहाँ पे हमने सारे स्क्रैप मेटल्स बेच दिए हैं, उस फ्लैशलाइट की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं उसको सेल नहीं करने वाला हूँ। देखो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि इस गेम में कैसे खेलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। और हाँ, मैंने कल ही नई वाली जिम सिमुलेटर 2024 एंड्रॉयड गेम का वीडियो अपलोड किया है, नहीं देखा है तो आप लोग यहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।